चोरी की नियत से चार लोग चोरी करने के लिए एक बंद पड़ी कंपनी के पीछे केबल कटिंग करने के लिए गए थे। उसी दौरान हादसा हो गया और एक साथी को करंट लग गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथी दोस्त मौके पर छोड़कर फरार हो गए। करीब एक सप्ताह तक शव घटना स्थल पर ही पड़ा रहा। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने चोरी करने गए मृतक के तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। गौरतलब है कि पीथमपुर के थाना एक क्षेत्र में बीती रात एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव लगभग 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर जांच शुरू की। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। रोल सर, एक चोरी करने गए चार युवकों में से एक की मौत हो गई है घटना स्थल पर। क्या था पूरा मामला सर? दिनांक 17/5/22 को सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव सेक्टर 2 की पहाड़ी में पड़ा हुआ है। इस सूचना को दृष्टि में रखते हुए तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह को बताया गया। उन्होंने इसमें बिंदुवार निर्देश दिए, जिसके पालन में घटनास्थल पर जो बॉडी मिली उसमें डिकम्पोज इसी स्थिति में थी, 6-7 दिन पुरानी डेड बॉडी थी। पास में एक उसका पर्स मिला, जिस पर्स में एक आईडी कार्ड मिला। आईडी कार्ड में जगदीश करोदिया निवासी होना पाया गया। जब विवेचना थाना प्रभारी सेक्टर 1 लोकेश भदौरिया और उनकी टीम ने किया तो ये पता चला कि इसके साथ 6-7 दिन पूर्व 4 व्यक्ति थे, जिसमें राज जाटो, बलराम, लक्ष्मण, जो बिजली तार चोरी करने गए थे। इन तीनों ने यह जानते हुए भी कि इसमें बिजली में करंट है, मृतक जगदीश को तार काटने के लिए चढ़ा दिया, जिससे वो बिजली करंट लगने से वहीं पर गिर गया और ये डेड बॉडी छोड़ के चले गए। 6-7 दिन तक इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। और इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया 304, 201 एवं 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पाए जाने से तीन अपराधियों को, राज जाटो, बलराम और लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें जुडिशियल रिमांड में जेल भेजा गया। सर, ये आदतन अपराधी हैं, पहले भी कोई मामले आए क्या? ये एक अशोक नगर का रहने वाला है और एक दूसरे थाना क्षेत्र का है, उनसे जानकारी ली जा रही है। आपका नाम बताओ। तरुणेंद्र सिंह बघेल, CSP पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।